प्यारे बच्चों, इस सबक में आपने कई मरतबा ही सुना होगा कि हिंदवी स्वराज। अब ये आप जानते हैं कि हिंदवी स्वराज क्या है? प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में मौजूद तमाम ही मजाहिब के लोगों से मिलकर बनाई जाने वाली हुकूमत को हिंदवी स्वराज कहते हैं। और शिवाजी महाराज का ख्वाब था कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज का कायम हो। इसी बिना पर वो हर मजहब के लोगों का एहतराम करते थे और उनकी किताबों का भी एहतराम करते थे। प्यारे बच्चों, आपने ऊपर दी गई सरगर्मी से ये जान लिया होगा कि शिवाजी महाराज संतों, मुख्तलिफ मजाहिब के उल्मा, ईसाई मजाहिब के गिरजा और हर मजहब की इबादत गाहों का एहतराम करते थे। अगर उनके हाथ कुरान शरीफ का कोई नुस्खा जंग के दरमियान मिल जाता तो उसे बड़े एहतराम के साथ रखते थे और उसे मुसलमानों के सुपुर्द करते थे। प्यारे बच्चों, अगर कोई मजहब तब्दील करता तब भी शिवाजी महाराज उससे नाराज नहीं होते थे। आपको पता है कि बजाजी नायक निंबालकर शिवाजी महाराज के रिश्तेदारों में से थे, लेकिन वो आदिल शाह के मुलाजिम थे और उन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया था। तब भी शिवाजी महाराज ने नाराजगी का इजहार नहीं किया। प्यारे बच्चों, जब बजाजी नायक ने दोबारा अपने मजहब में दाखिल होने का इरादा किया तो शिवाजी महाराज ने उनका खुशी से इस्तकबाल किया। इसके अलावा नेताजी पालकर के साथ भी यही मामला हुआ। उन्होंने अपना मजहब तब्दील कर लिया था, तब भी शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने पुराने मजहब में आने के लिए नहीं कहा। आखिरकार नेताजी पालकर ने खुद ही अपने मजहब में लौटने की ख्वाहिश जाहिर की, तब शिवाजी महाराज ने उन्हें भी अपने मजहब में शामिल कर लिया। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि शिवाजी महाराज की शख्सियत के चंद यादगार पहलू क्या हैं। आपको पता है कि शिवाजी महाराज में बहुत सारी खसूसियात थी। आइए हम एक के बाद एक इन खसूसियात को जानते हैं। पहला, सबसे पहले कि शिवाजी महाराज तारीकी में अपनी राह तलाश कर लेते थे। यानी कभी अगर उन्हें अपना कोई मकसद नजर नहीं आता तब भी गौर खोज करते और अपने मकसद को पा लेते। प्यारे बच्चों, वो कभी भी मुसीबतों से घबराते नहीं थे और अगर कोई मुसीबत आ भी जाती थी तो उसकी तरफ पेशकदमी करते और उसे हल करने की कोशिश करते। प्यारे बच्चों, शिवाजी महाराज ताकतवर दुश्मन का मामूली कुव्वत से भी मुकाबला करते थे और इस तरह अपनी कुव्वत को मजीद मजबूत कर लेते थे और अपनी ताकत को बढ़ा लेते थे। प्यारे बच्चों, अपने साथियों के साथ भी शिवाजी महाराज का रवैया बहुत बेहतर था। वो हमेशा उनकी हिम्मत बढ़ाते थे, अपने दुश्मनों को लगातार चकमा देते थे और अपनी कामयाबी को हासिल करते थे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ये सारी खूबियां शिवाजी महाराज की थी। आप जानते हैं कि वो एक मिसाली बेटा भी थे, एक बाखबर रहनुमा भी थे और एक बासलाहियत मुंतजिम भी थे। यानी हर काम को बेहतर अंदाज में अंजाम देते थे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी काम करते थे और अपनी शख्सियत के इन तमाम पहलुओं की मदद की वजह से शिवाजी महाराज की शख्सियत आज यादगार हो गई है और हर कोई शिवाजी महाराज को बेहतर से बेहतर जानता है।